कॉमेडी के बेताज बादशाह माने जाने वाले कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें दर्शकों को हंसाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें देखने मात्र से ही हंसी छूट जाती है। ऐसे ही कलाकारों में से एक हैं अनंत बलवंत धूमल, जिन्हें सिर्फ धूमल नाम से जाना जाता है। अनंत धूमल का जन्म 29 मार्च 1914 को हुआ था। इनके पिता बलवंत धूमल एक नामी वकील थे, लेकिन जब धूमल सिर्फ 10 साल के थे तभी उनके पिता ये दुनिया छोड़ चले थे। इसीलिए पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई। वे दूसरों के घर में कामकाज करके कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम किया करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और 1940 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के अंत तक सक्रिय रहे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी थिएटर से की, जिसने मराठी सिनेमा के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और बाद में वे हिंदी सिनेमा में चले गए जहां उन्होंने ज्यादातर कॉमेडी भूमिकाएं निभाई और बाद में अपने करियर में चरित्र भूमिकाएं निभाई। हावड़ा ब्रिज, बॉम्बे का बाबू, कश्मीर की कली, गुमनाम, दो बदन, लव इन टोक्यो जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में उन्होंने काम किया था। अभिनय में उनका करियर तब शुरू हुआ जब वे एक ड्रामा कंपनी में शामिल हुए, जहां वे खाना परोसते थे और बर्तन धोते थे। ऐसे अवसर आते थे जब छोटी भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार उपस्थित नहीं हो पाते थे, इससे स्पॉट बॉयज को उनकी भरने का मौका मिलेगा। इस तरह धूमल को नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिली। इसी दौरान उनकी मुलाकात नाटक जगत के बड़े नाम पीके अत्रे और नाना साहेब फाटक से हुई। जल्द ही उन्हें पहचान मिलने लगी और बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी। हालांकि वे अंततः फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन उन्हें एक खलनायक के रूप में अधिक जाना गया। उन्होंने लगने की बेदी और घर बाहर जैसे प्रसिद्ध नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। मंच से उन्होंने अपना ध्यान सिल्वर स्क्रीन पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने वो कौन थी, आंखें, गुमनाम, आरजू, ससुराल जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म पेड़गांव चे शहाणे नामक एक मराठी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक दक्षिण भारतीय की भूमिका निभाई थी। जब धूमल की शादी हुई तब उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि तुम पढ़ो चाहे जितना पढ़ना चाहती हो, और उन्होंने उनके बच्चों को भी खूब पढ़ाया। शायद इसकी वजह वही थी कि वे बचपन में जिम्मेदारी आने की वजह से पढ़ नहीं पाए थे। उन्हें एक बेटा और 3 बेटियां हुई। बेटे का नाम प्रमोद धूमल है। धूमल की जोड़ी उनके कोस्टार्स रहे महमूद और शोभा खोटे से बहुत जमती थी। सिर्फ 40 साल की उम्र में धूमल जी डायबिटीज के पेशेंट हो गए थे और धीरे धीरे उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। डायबिटीज के चलते ही धूमल जी का 13 फरवरी 1987 को देहांत हो गया था। वे 72 साल के थे। धूमल साहब ने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए परिवार को पाला और करियर भी बनाया, ऐसा कलाकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में न पहले कभी हुआ था और न ही कभी होगा। धूमल जी के जीवन को फिल्म तराना चैनल का सलाम। कैसा लगा आपको धूमल जी के बारे में जानकर कमेंट में जरूर बताइएगा। धूमल की कौन सी अदाकारी आपकी पसंदीदा है ये बताना ना भूलें। वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, इसलिए लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।